पाकिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में आरोपी विकास यादव केस में गिरफ्तार हुआ था। 10 महीने पहले स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। FBI ने पन्नू केस में विकास को वांटेड घोषित किया। कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत पर झूठे इल्जाम लगाकर अपने ही घर में घिरे हैं। विपक्षी नेता बार्नियर ने कहा कि निज्जर कनाडाई नहीं विदेशी आतंकी था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी की तलाश में 5 राज्यों में छापेमारी। जिशान अख्तर और शिव कुमार की तलाश में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश में छापेमारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने ठाणे और रायगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी केस की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की 2 टीमें पहली पहुंची है कैथल। आरोपी जिशान अख्तर और गुरमेल के दोस्तों से पूछताछ। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोप विकी गुप्ता की जमानत याचिका रद्द। सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर में प्रशासन ने चस्पा दिया अवैध निर्माण का नोटिस। 19 मुस्लिम और 4 हिंदू परिवारों को प्रशासन ने घरों के कागजात दिखाने के लिए कहा है। बहराइच हिंसा के आरोपियों ने भेड़िए की मांद में छुपाई थी बंदूक। मांद के पास से ही फायरिंग किए जाने का दावा। बहराइच हिंसा पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान का हिंदुत्व की बात करने वाले और आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बहराइच हिंसा पर बड़ा बयान का योगी सरकार ने यूपी में बंदूक व्यवस्था की गलत प्रथा शुरू की है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गैंगरेप आरोपी। आरोपी शमशाद पर महिला का गैंगरेप करने के बाद गोली मारने का आरोप। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच। 10 स्टेशन में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब पहुंचा। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित। दिल्ली की यमुना नदी दिखाई दिए जहरीले झाग। यमुना में झाग की वीडियो वायरल। दिल्ली में कई जगह पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार और इसका कृषि विभाग ने पराली जलाने पर केस दर्ज करने के दिए आदेश। 2 साल तक मंडियों में अनाज भी नहीं बेच पाएगा आरोपी किसान। हरियाणा के कई जिलों में सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। अंबाला में भी कृषि विभाग ने पराली जलाने पर 33 किसानों के चालान किए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले सरकार किसानों को दे समाधान, खरीदे पराली। पराली मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा मोदी जी यूक्रेन युद्ध रोकवा सकते हैं तो पराली का समाधान क्यों नहीं निकाल सकते हैं। हरियाणा सरकार के फैसले पर सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर हमला। कहा हरियाणा का किसान जागरूक नहीं, जलाएगा पराली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक 4 घंटे की चली बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 151 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिंदे गुट को 84 और एनसीपी 53 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज राहुल गांधी फूकेंगे बिगुल। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन से करेंगे शुरुआत। यूपी के उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। आज सीएम आवास में इकट्ठा होंगे प्रभारी मंत्री और संगठन के नेता। उद्धव ठाकरे गुट को मिला विशाल चुनाव चिन्ह। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव चिन्ह को लेकर की गई शिकायत के बाद सुधार के साथ अलॉट किया गया मशाल का चिन्ह। विपक्षी दलों पर महाराष्ट्र सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे का बड़ा हमला। कहा लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने खूब अफवाहें फैलाई लेकिन अब यह पैतरा नहीं चलेगा। जेल से रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल ने गले मिलकर किया स्वागत। हमास चीफ याया सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। याया सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई। सिनवार को 16 अक्टूबर को इसराइल ने एक हमले में ढेर कर दिया था। इसराइल ने 16 अक्टूबर को गाजा में मुठभेड़ का वीडियो जारी किया है। इस मुठभेड़ में हमास चीफ याया सिनवार को किया गया था ढेर। इसराइल ने हमास चीफ सिनवार के बॉडीगार्ड महमूद हमदन को ढेर किया। गाजा में IDF के हमले में मारा गया महमूद हमदन। इजरायली सेना का अब तक की जंग में हिजबुल्ला 1500 लड़ाकों को ढेर करने का दावा। इसराइल की हिजबुल्ला और हमास के साथ और तेज हुई है जंग। उत्तरी इसराइल के हाइफा में हिजबुल्ला का बड़ा हमला। IDF के बेस कैंप पर रॉकेट हमले का हिजबुल्ला ने जारी किया वीडियो। लेबनान के अल बैसरी में इसराइल की सेना का बड़ा हमला। News18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई अल बैसरी में तबाही की तस्वीरें। इसराइल से जंग के बीच लेबनान पहुंची इटली की पीएम मेलोनी। बेरूत में इतावली सैरिको से की मुलाकात। गाजा में जंग के बीच इसराइल ने भेजी मानवीय मदद। भोजन, पानी और मेडिकल सामानों से भरे 30 ट्रक गाजा भेजे गए। सिनवार की मौत के बाद हमास ने फिर दिखाए तेवर। कहा जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकते तब तक इसराइली बंधक वापस नहीं लौटेंगे। ईडी ने बिहार के IAS अधिकारी संजीव हंस और RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है यह गिरफ्तारी।
राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर लंदन दौरे पर सीएम भजनलाल। सीएम भजनलाल ने राइजिंग राजस्थान के लिए लंदन में निवेशकों से मुलाकात की। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम है। छठे दिन अद्भुत और अलौकिक रहा नजारा। भगवान रघुनाथ जी के साथ देवी देवताओं का भव्य दिव्य मिलन हुआ है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा गुलदार का आतंक। वन विभाग ने पिछले दो दिन में पकड़े गए दो गुलदार। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार की मोतिहारी में एक सरकारी स्कूल में शराब के उदाहरण देकर समझाया गया मुहावरे का अर्थ। सामने आई ब्लैक बोर्ड पर लिखे उदाहरण की तस्वीरें। बिहार के बांका में तेज रफ्तार ट्रक ने पांच कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद आगजनी की। यूपी के बलिया में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अचानक हुई किसान की मौत। कार्यकर्ता बताई गई मौत की वजह। घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत में हरिद्वार का एक परिवार। सामने आई फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कार सवार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को रौंदा। हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। यूपी के अमरोहा में बच्चों के झगड़े में भिड़े दो पक्ष। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस के सामने दबंगों ने गोदाम में की तोड़फोड़। आरोपियों ने गोदाम का सामान भी फेंका। न्यूजीलैंड और भारत के बीच बेंगलुरु टेस्ट के चौथे दिन भारत की शानदार बल्लेबाजी। सरफराज खान ने लगाया शतक। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खेली अर्धशतकीय पारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाके में तेजी से फैली आग। कई घरों को पहुंचाया नुकसान। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारत के भगोड़े और मोस्ट वांटेड जाकिर नायक का प्रचार कर रहे लश्कर के आतंकी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में करवाई सभा। लश्कर कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी और हैरिस ने की जाकिर से मुलाकात। अभी भी सरकार का और साथ ही साथ प्रशासन का जो हम देख रहे हैं एक्शन, वो बहराइच में जारी है। बड़ी खबर यह कि बहराइच में हिंसा, आगजनी और रामगोपाल हत्याकांड के बाद अब आरोपियों के अवैध निर्माण पर योगी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। बहराइच में जहां हिंसा हुई वहां 23 घरों पर अवैध अतिक्रमण के नोटिस को चस्पा दिया गया है। मुस्लिम परिवारों के 19 और हिंदू समुदाय के 4 मकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। नोटिस में अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया परिवारों को। नोटिस में लिखा है अगर ये निर्माण नियम के अनुसार है तो इसके कागजात जिला अधिकारी कार्यालय में 3 दिन के भीतर पेश करने होंगे, नहीं तो निर्माण को अवैध मानकर तोड़ने की कार्रवाई बुलडोजर द्वारा की जाएगी। ये नोटिस अब्दुल हमीद के घर पर भी चस्पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से दुर्गा मूर्ति का विसर्जन किया जाना था, उस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई क्योंकि उसने किसी एक विशेष समुदाय का झंडा उतारा, जिसके बाद से हमने देखा किस तरीके से वहां पर हिंसा की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, जहां गिरफ्तारी तो हुई है आरोपियों की, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग जिनके घर अवैध निर्माण में आ रहे हैं उनके घर पर नोटिस चस्पा दिया गया है कि अगर आपने ये अवैध निर्माण का कागज नहीं दिखाए कि ये भाई वैध है, आप या तो कागज दिखाइए डीएम ऑफिस में, और अगर आप नहीं दिखा पाए तो 3 दिन के भीतर भीतर फिर हो जाएगी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन आपको बहराइच में देखने को मिलेगा। एक भैया कल पता चला कि नोटिस 17 तारीख की डेट में किसको हो गई है कि आप लोग 3 दिन में अपना अपना सामान हटा लीजिए वरना बुलडोजर लाकर के सबके मकान तोड़ दिए जाएंगे। 23 लोगों को नोटिस मिली है। 23 लोग बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ ना कोई लेबर मिल रहा है ना मजदूर मिल रहा है, कैसे वो अपना मकान तोड़े।